तो गाइस हम देखने वाले हैं कि लैम्बोर्गिनी थार में से कौन सबसे ऊंची जंप मारता है इस रैम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैम्बोर्गिनी है हमारी यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं कितनी ऊंची जंप मारती है हमारी लैम्बोर्गिनी। तो चलिए अब इसे जंप करवाते हैं लैम्बोर्गिनी को, एकदम फुल पावर मैन दी हुई है। तो लैम्बोर्गिनी अब हमारी जंप कर गई, देखते कितनी आगे जाती है ये। तो लैम्बोर्गिनी इतनी आगे नहीं आ पाई है, ये रैम से कुछ कदम ही आगे आ पाई। तो चलो थार का देखते हैं। तो थार अब हम देखेंगे कितनी ऊंची जंप कर सकते हैं। गाइस मेरी थार गायब हो गई क्योंकि मैंने चीट कोड की मदद से थार को स्पॉन करवाया था। तो चलिए अब हम तीन चार गाड़ियों को और स्पॉन करते हैं, उसके बाद इनका जंप टेस्ट लेते हैं। तो हमारी इस गाड़ी का हो गया है। अब मैंने साइड में यहाँ पर ये भी गाड़ी खड़ी की है जो फरारी है, तो चलिए इसको भी अब जंप करवाते हैं। तो गाइस मैं फरारी भी लेकर आया था यहाँ से, अपने घर से मैं फरारी लेकर आया था यहाँ तक का। तो चलिए इसको भी ज़रा कूदाते मतलब जंप करवाते हैं कि कितनी आगे तक जा सकती है। अरे अरे तो टूट गिरने वाली थी, चलिए देखते हैं। तो गाइस हमारी फरारी की जंप अच्छी नहीं हो पाई है, एकदम बेकार जंप मारी इसने। और चलिए अब हम सीधे अब थार का देखते हैं क्योंकि अब फरारी तो हमारी उल्ट गई है। तो चलिए अब थार का देखते हैं ये क्या हमारे प्लेयर को चोट लग गई है। तो चलो आप जल्दी थार का लेकर देखते हैं थार कितनी ऊंची तक जंप मार सकती है। चलिए अब थार लेते हैं अपनी। तो मैंने यहाँ पे दूसरी वाली थार स्पॉन की है, वो वाली नहीं, 90-90 वाली नहीं, 91-91 वाली है। तो चलिए देखते हैं कितनी ऊंची जंप मारती है। तो हमारी थार ने सबसे ऊंची जंप मारी है और थार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर सबसे आगे है ये थार हमारी सबसे आगे, और एकदम यहाँ तक आके रुकी है गाइस। देखिए कितनी आगे है ये थार हमारे, कितनी आगे। याद रख के फरारी और लैम्बोर्गिनी ने भी इतना अच्छा जंप नहीं किया जितना हमारी थार ने किया था। तो चलिए गाइस आप चलते सीधे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने के लिए। चलिए चीट को डायल करके आप सीधे फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेंगे क्योंकि फॉर्च्यूनर लेजेंडर मुझे बहुत हल्की गाड़ी लगती है, इसीलिए जो दूसरी वाली फॉर्च्यूनर वो बहुत भारी लगती है देखने में। तो चलिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर ही लेंगे। तो हमने लेजेंडर स्पॉन कर लिए, तो अब लेजेंडर में बैठ कर देते हैं कितनी ऊंची जंप मार सकती है, क्या ये थार का ओवरटेक कर सकती है, ये थार का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये थार का रिकॉर्ड तोड़ भी पाती है या नहीं। तो गाइस हमारी रेंज पता नहीं कितनी है, हमारी रेंज है ये रैम तक। हम इस रैम तक गाड़ियों को आगे यहाँ से लेकर ले जाकर जंप कर सकते हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से हमारी लेजेंडर को भी जंप करवाते हैं। गाइस जंप अच्छी नहीं हुई है, दोबारा से करते हैं। तो मैं फिर से रिट्राई कर रहा हूँ, अगर गाइस इस बार भी फॉर्च्यूनर ने फ्लिप हमारी तो फॉर्च्यूनर हमारे चैलेंज से फेल हो जाएगी। तो इस बार फॉर्च्यूनर फ्लिप नहीं मारी है, तो जल्दी जल्दी से इसे जंप करवाते हैं फॉर्च्यूनर का, देखते हैं कितनी आगे तक जा सके। क्या ये थार का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गाइस इसने थार का रिकॉर्ड तक नहीं तोड़ा, ये तो थार से बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे। ये देखिए गाइस हमारी थार गई थी पूरी उस बिल्डिंग तक और हमारी फॉर्च्यूनर बस आई है इस रैम से पहले, यानी हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडरी बहुत भारी और बहुत स्लो है। तो चलिए चलते यार इसे पार्क करते, उसके बाद कोई दूसरी गाड़ी लेते हैं। तो इस बार हम मस्टैंग जीटी को स्पॉन करने आ रहे हैं, देखते हैं कि मस्टैंग जीटी में कितना दम है। गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला है मस्टैंग जीटी के ऊपर जिसमें कि मस्टैंग जीटी बहुत तेज़ी से चल रही है। तो चलिए देखते हैं इस मस्टैंग जीटी में कितना दम है, कितनी आगे तक जा सकती है। तो चलिए चलते इसे भी जंप करवाते हैं। अगर मस्टैंग जीटी पीछे लगे तो मतलब इसकी गजब बेजरी करवा दी इसने तो हमारी। तो चलिए जल्दी से इसका भी जंपिंग चैलेंज करते हैं।
अरे गाइस हमने तो इस रैम को क्रॉस कर लिया, तो गाइस कोई बात नहीं, मस्तैंग जेटी थोड़ा रुकने में टाइम लगा देती है। अरे कोई नहीं सोले, हट जा, अरे हट जा कोई नहीं सोले। ये क्या है गाइस, मस्तैंग जेटी ने भी फ्लिप मार दी है, देखिए गाइस पता नहीं क्या है यार, ऐसे ही फॉर्चुनर ने किया था। चलिए फिर से रिट्राई करते हैं, लास्ट ये लास्ट वाली रिट्राई है, हम सिर्फ दो बार रिट्राई कर सकते हैं उसके बाद नहीं। एक तो ये मस्तैंग जिट्टी तो जल्दी रुकती भी नहीं है, देखिए गाइस कैसे बंदा, ये देखिए कैसे बंदे को फेंक दिया, वाह वाह। तो चलिए अब फिर से इसे जंप करवाएंगे, ये फिर आ गया कोई नहीं सवाल, इसकी वजह से मैं मस्तैंग जी को जंप नहीं करवा पाया था। मस्तैंग जिट्टी ने जंप अच्छी मारी, देखते हैं कहां तक जाकर गिरती है ये। वैसे मस्तैंग जिट्टी गाइस, हमारी जो मस्तैंग जीटी है वो पूरा इस रैम के थोड़ा सा आगे आई है, मतलब मस्तैंग जीटी ने हमारे ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया और इस चैलेंज में पास भी हो गई। तो चलिए अब लेते हैं हमारी टोयोटा सुप्रा MK5 जो कि बहुत तेज़ गाड़ी है, और देखते हैं वो कितनी ऊंची तक जंप मार सकती है। तो यहाँ पे टोयोटा सुप्रा का चीट को मैं डायल कर लेता हूँ, तो देखते हैं अब हमारी सुप्रा कितनी तेज़ी से जंप करती है। अगर सुप्रा ने थार का रिकॉर्ड तोड़ दिया यानी थार को पीछे छोड़ दिया तो सुपरा हमारे चैलेंज की विनर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि सुपरा कर पाती भी है नहीं, क्योंकि सुपरा के सस्पेंशंस वैसे अच्छे हैं लेकिन इसका जो बम्पर है वो बहुत आगे है, और सुपरा हमारी मुझे 100% पता है कि ये जंप कर सकती है, ये फ्लिप मार सकती है, तभी मैं इसे रैम से क्रॉस नहीं करवा रहा हूँ। और हमारा कोई नहीं सोला ही भाग गया यहाँ से, गाइस इसने तो अच्छी जंप मार ली है लेकिन देखते हैं कितनी आगे तक जाती है ये। गाइस ये क्या गाइस, ये मस्तैंग जीटी से थोड़ी सी पीछे है, देखिए गाइस मस्तैंग जीटी इस रैम को क्रॉस कर गए थे लेकिन हमारी टोयोटा सुपरा इस रैम को क्रॉस नहीं कर पाई और ये मस्तैंग जीटी थोड़ी पीछे हो गई। तो चलिए गाइस अब हम लेंगे अपनी दूसरी वाली थार जो इसका चीट कोड है 1990। तो चलिए चलते हैं और दूसरी थार को देखते हैं कितनी ऊँची तक जंप मार सकते हैं। गाइस सुपर गाइस सुपर कार्स का पता नहीं क्या है कि गाइस इनके जो बम्पर्स होते हैं वो बहुत नीचे तक होते हैं और इनके सस्पेंशंस भी अच्छे होते हैं, लेकिन गाइस क्या होता है ये अपना बैलेंस तब खोते हैं जब इनके बम्पर से कोई चीज़ लड़ जाती है, फ्लिप मार लेते हैं, तभी हमारी सुपर कार अच्छी जंप नहीं कर पा रही है। और वही थार देखिए कितनी जंप कर लेते उसने। तो चलिए अब हम लेंगे अपनी दूसरी वाली थार, तो अब हम इस थार का देखेंगे कि ये कितनी अच्छी जंप लेती है। मुझे तो लगता है गाइस कि ये बहुत अच्छी जंप लेगी क्योंकि इसका जो बम्पर है वो थोड़ा ऊपर है और इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट, गाइस हमारी थार थोड़ी उल्टी जंप मार ली है, देखिए गाइस कैसे इसने उल्टी जंप मार ली थार ने। तो हम फिर से इसका रिट्राई करेंगे चैलेंज, तो चैलेंज रिट्राई के लिए हमारी थार तैयार है और आगे कोई गाड़ी भी नहीं है, तो चलिए जल्दी से इसका चैलेंज करवाते हैं। और पता नहीं क्या लड़की आ रही है, जल्दी से इसे करते हैं। गाइस हमारी थार कर नहीं पा रही पता नहीं क्यों, क्योंकि गाइस आगे ना ये मस्तैंग जीटी के टूटे फूटे पार्ट्स है, तो मुझे फिर से करानी पड़ेगी जंप इसे, और ये लास्ट अटेम्प्ट है। और लास्ट टाइम में थार ने कमाल दिखा दिया, लेकिन गाइस देखते हैं कि कितनी आगे जाती है। गाइस ये बस थोड़ी सी आगे जा पाई, जो हमारी दूसरी वाली थार थी उसने तो बहुत गाइस एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, लेकिन इस थार ने गाइस रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, थोड़ी सी पीछे रह गई है उस थार और मस्तैंग जीटी से और टोयोटा सुप्रा से। तो चलिए गाइस कोई बात नहीं, आप गाइस देखते हैं कि कौन सी हमें गाड़ी लेनी है, क्योंकि गाइस अभी मेरे दिमाग में कोई गाड़ी नहीं आ रही है। गाइस एक गाड़ी मेरे दिमाग में आई, और गाइस ये वीडियो की लास्ट गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम है मॉन्स्टर थार, देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है।
तो चलिए अब हम सीधे लेंगे मोस्टल थार और इस वीडियो को एंड करेंगे उस थार को जंप करवा के, क्योंकि मोस्टल थार मुझसे बहुत उम्मीदें लगती है कि वो गाइस अच्छी जंप कर लेगी। तो चलिए मोस्टल थार का चीट को डायल कर लेते हैं। और गाइस ये थोड़ी सी फ्लिपी गाड़ी है तो इसके सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं और इसका बम्पर भी ऊपर बहुत ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये जंप लेती है। और ये है हमारी मोस्टल थार इस वीडियो की लास्ट गाड़ी। उसके बाद अगला वीडियो कॉल आएगा जो कि फुल अपडेटेड होगा। और गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इंडिया आइडेंटिटी में कार को जंप करवाने का चैलेंज। और गाइस अब आगे वाली वीडियो में मैं सारी सेटिंग करके रखूँगा और रेंज भी रखूँगा कि कितनी रेंज तक हम गाड़ी को जंप करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब अपडेटेड वीडियो कॉल आएगा, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यार फिर से वही प्रॉब्लम, अब मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। तो इस बार थार ने एक अच्छी जंप ली है और चलिए देखते हैं कहाँ तक जाती है ये थार। ये दूसरी वाली थार है ना जो इसने टोयोटा सुपरा को भी कर दिया है ओवरटेक, और दूसरी पुरानी वाली थार को भी ओवरटेक कर है जो कि मॉन्स्टर नहीं थे वो दूसरी वाली थी। तो इस गाड़ी ने गाइस हमारी सुपरा को भी पीछे छोड़ दिया और वो दूसरी वाली थार को ही, बट मस्टैंग जीटी को पीछे नहीं छोड़ पाई। तो गाइस कोई बात नहीं, अब अगला चैलेंज कल होगा दूसरा वाला, जो कि मैं सोचूंगा कि अभी कौन सा चैलेंज करना है, क्योंकि अब मैं इंडिया आइडेंटिटी में एक ऐसा रैंप बनाऊंगा जिससे कि हमारा चैलेंज और बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो इतना ही था। तो चलिए अब कल एक अपडेटेड वीडियो आएगा तो उसे भी देख लीजिएगा। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और सब्सक्राइबर्स की जो प्रेजेंट है वो बहुत कम है और जो नॉन सब्सक्राइबर है जो कि सब्सक्राइब नहीं करते उनकी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस नॉन सब्सक्राइबर की परसेंटेज कम करिए और सब्सक्राइबर्स की ज़्यादा करिए। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट भी करिए, गाइस आप सपोर्ट बिल्कुल ही कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट भी कर दीजिएगा। तो गाइस बाय और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कल वीडियो आ जाएगा अपडेटेड वाला।